नमस्कार, आप देख रहे हैं एनआर इंडिया न्यूज पर। महुआ से मोहम्मद नदीम रब्बानी की रिपोर्ट। वैशाली जिला अंतर्गत महुआ अनुमंडल क्षेत्र के चेहरा कला प्रखंड स्थित शाहपुर खुर्द पंचायत के ग्राम मेहमदपुर गंगटी निवासी मोहम्मद नसीर की 13 वर्षीय बेटी नसरीन परवीन एवं 8 वर्षीय मोहम्मद नफीस की दर्दनाक मौत हो गयी। मिली जानकारी के अनुसार मोहम्मद नसीर अपनी पुत्री नसरीन परवीन और मोहम्मद नफीस को लेकर महुआ डॉक्टर के यहां इलाज के लिए जा रहे थे कि इसी क्रम में महुआ अनुमंडल गेट के समीप मुजफ्फरपुर और महुआ मार्ग पर बाजार की तरफ से आ रही ट्रक जिस पर ईंट लदा हुआ था, गाड़ी चालक ने तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल पर बैठे नसीर को ठोकर मार दी, जिससे मोहम्मद नसीर रोड के बाएं तरफ गिरे और उनके पुत्र एवं पुत्री रोड पर गिर गई और गाड़ी का पिछला चक्का दोनों के सर पर से गुजर गया, जिससे दोनों नन्हे मुन्ने को घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इस खबर को सुनते ही महुआ पुलिस पहुंचकर लाश को अपने अंदर में किया और मामला से अवगत हुआ। लोगों ने जख्मी मोहम्मद नसीर को महुआ अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद मोहम्मद नसीर खतरा से बाहर हो गए, लेकिन उनके परिजनों ने लाश को रोड के बीच रखकर प्रदर्शन कर इंसाफ की मांग की। साथ ही महुआ की निकम्मी पुलिस के खिलाफ और सरकार के भी काफी प्रदर्शन किया। खबर सुनते ही महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन घटनास्थल पहुंचकर जायजा लेते हुए महुआ थाना प्रभारी से बात कर हर संभव मृतक के परिवार को सहायता करने की बात कही। वही विधायक श्री रोशन परिजनों से मिलकर उसी समय संबंधित अधिकारियों से बात करके त्वरित दुर्घटनाग्रस्त राशि दिलाने की बात कही। घटना स्थल पर राजद अनुमंडल अध्यक्ष प्रदीप यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद नसीम रब्बानी, भीम आर्मी के सफदर इरशाद, राजू वारसी, राजद अल्पसंख्यक अध्यक्ष शाहिर रजा, राजद युवा अध्यक्ष रणविजय यादव के साथ सैकड़ों लोग उपस्थित थे। क्या कीजिएगा, अभी नहीं बताइए, नहीं पता है। अभी पहले ये वाला मामला जो है उसको थोड़ा सा आपको भी कीजिए, बच्चा है और दोनों भाई बहन है ना, भाई उठवा के इसको पोस्टमार्टम के लिए बयान कोई आदमी जो परिवार के लोग हैं।